हेलो फ्रेंड्स, आई एम जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। वंस अगेन वेलकम यू बैक टू माय चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं समय समय पर सेंट्रल सिविल सर्विस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करता रहता हूँ, और उसके पीछे जो मेरा मकसद होता है वो होता है सही जानकारी आप तक पहुँचाना। और इसी के क्रम में मैं आज एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ आपके सामने, और ये है डेली अलाउंस ऑन टूर। कि दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो कभी न कभी आपको टूर पर जाना पड़ता है, और टूर के दौरान चाहे होटल के रूप में हो या फिर कन्वेंस के रूप में हो या फिर फूड के रूप में हो, आपको खर्चा करना पड़ता है, जो कि बाद में आपके ऑफिस आपको रिम्बर्स करती है। लेकिन रिम्बर्स करने के साथ साथ कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है, और जिस जानकारी के अभाव में जब डीए क्लेम करने की बात आती है तो हम उलझन में फंस जाते हैं कि किस तरह से डीए क्लेम करे या ना करे। तो इसी को आज का मैंने टॉपिक बनाया है, और इसमें आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपना पूरा डीए क्लेम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी उलझन के। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि आपके पे लेवल के हिसाब से आपको कितना होटल चार्ज और कितना, अगर आप शहर के अंदर आप ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए जो ट्रैवल चार्ज है वो कितना मिलेगा, और फूड डीए कितना मिलेगा। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अगर आपका पे लेवल 14 या उससे ऊपर है तो 7500 रुपये होटल चार्ज, 50 KM तक AC टैक्सी चार्ज, और 1200 रुपया फूड डीए के रूप में मिलेगा। अगर आपका पे लेवल 12 और 13 के बीच में है तो 4500 रुपये होटल चार्ज, नॉन AC टैक्सी चार्ज जो है 50 KM तक का मिलेगा, और फूड डीए जो मिलेगा 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। और आपका अगर पे लेवल 9-11 के बीच में है तो 2250 रुपया होटल चार्ज के रूप में, 338 रुपया पर डे ट्रैवल चार्ज के रूप में, और 900 रुपया फूड डीए के रूप में मिलेगा। आपका पे लेवल अगर 6 और 8 के बीच में है तो 750 रुपये होटल चार्ज के रूप में, 225 रुपये ट्रैवल चार्ज के रूप में, और 800 रुपये फूड डीए के रूप में मिलेगा। और अगर आपका पे लेवल 5 या फिर उससे नीचे हैं तो 450 रुपया होटल डीए के रूप में, 113 रुपया पर डे ट्रैवल चार्ज के रूप में, और 500 रुपया डेली फूड चार्ज के रूप में आपको मिलेगा। और इसके बेसिस का कैलकुलेशन क्या है ये भी आप जान लीजिए कि इसका जो कैलकुलेशन का बेसिस है आपका जितना देर आप टूर पर रहते हैं, जिसको आप एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर कह सकते हैं। तो आपका एब्सेंस अगर हेडक्वार्टर से 6 घंटे से कम का है तो 30% मिलेगा, अगर 6 से 12 घंटे के बीच में है तो 70% मिलेगा, और अगर 12 घंटे से ज़्यादा है तो 100% मिलेगा, यानी कि आपको पूरा डीए मिलेगा। और यह जो एब्सेंस तय किया जाता है मिडनाइट किया जाता है, रात के 12 बजे से दूसरी रात के नेक्स्ट नाइट के 12 बजे तक का होता है। और कभी कभी आप एक टूर से आते हैं और आपको फिर दूसरे टूर पर जाना पड़ता है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको डबल डीए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिंगल डीए ही मिलेगा। दोनों टूर के टाइम के हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन टोटल डीए जो है वो आपके एंटाइटलमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे। अब आते हैं अकोमोडेशन की हम बात करते हैं। अगर आपका पे लेवल 8 या फिर उससे नीचे है तो आप अगर किसी होटल में स्टे करते हैं तो आपको बिल प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने इस होटल में ठहरा है और इतना पे किया है, इसी के आधार पर आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। और यह जो है जब आपका जो DNS अलाउंस है जब वो 50% को पार कर जाएगा तो यह जो फिलहाल अमाउंट है वो 25% खुद ही बढ़ जाएगा। अगर आप किसी एक्सपेंसिव लोकेलिटी में जाते हैं और आपका जो पे लेवल है यानी कि आप 8 तक पे लेवल में आते हैं तो आप 1000 रुपीज़ पर डे आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वाउचर प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने ऑफिस को। और डीए का जो रेगुलेशन होता है ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आप जान लीजिए, जिससे कि आपका उलझन दूर हो जाएगा।
अगर आप जर्नी पीरियड में जो डीए क्लेम करते हैं, चाहे वो आप एक्सपेंसिव लोकेलिटी से गुजरे हो या कहीं से, आपको ऑर्डिनरी रेट से ही डीए मिलेगा। अगर आप कभी टूर पर हैं, आप डेली अपने टूर स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो आपको डेली का डीए मिलेगा, वो ऑर्डिनरी रेट से मिलेगा। और लेकिन जिस दिन हॉलीडे या फिर संडे है, तो उस दिन का आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप टूर पर जाते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं घर, तो आपको ऑर्डिनरी रेट से डीए मिलेगा, भले ही जहाँ पे आपने टूर किया है वो एक्सपेंसिव लोकेलिटी हो, फिर भी आप ऑर्डिनरी रेट से ही डीए क्लेम कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप टूर पर जाते हैं, तो टूर स्टेशन आप पर आपका रेजिडेंस होता है, तो इस केस में कई बार ये कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि डीए नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप डीए क्लेम कर सकते हैं, आपको डीए मिलेगा भी। इसके बाद देखिए, एक इनफोर्स्ड हॉल्ट होता है कि आप मजबूर हैं वहाँ रुकने के लिए, कि अगर आप कभी टूर या फिर ट्रेनिंग पर जाते हैं और जाने के बाद ऐसा होता है कि ट्रैफिक डिसलोकेट हो जाता है, यानी कि अर्थक्वेक या फिर फ्लड से ट्रैफिक बंद हो जाता है, या फिर राइट या वायलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंसेज होता है रास्ते में, या फिर कर्फ्यू लग जाती है, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और आपको जो ऑर्डिनरी रेट से है वो डीए मिलता रहेगा। इसके बाद अब एक बात बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में, कि अगर आप रेलवे के रिटायरिंग रूम, YMCA या फिर YWCA या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लॉन्ज में आप स्टे करते हैं, या फिर किसी स्टाफ हॉस्टल में स्टे करते हैं, तो उस समय आपको डीए मिलेगा, जो कि आपका होटल का एंटाइटल रेट है, उसी के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप स्टे करते हैं, आप टूर पर जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिस में स्टे करते हैं, चूँकि वहाँ पर अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आपको 3/4 डीए आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको आपके ऑफिस जो है फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग प्रोवाइड करती है, तो इस केस में आपको कोई डीए नहीं मिलेगा, चूँकि आपका कुछ भी खर्चा नहीं आया है। और पहले ऐसा प्रोविज़न था कि 25% जो होता है आपके डीए का, वो आपको दिया जाता था, उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 7th पे कमीशन में। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। और आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का आंसर देने का। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।